दोस्तों, क्यों ईगल अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार कर तोड़ देता है और कौन है ये बॉलीवुड का कलाकार जो सलमान खान से भी पंगा लेने में नहीं डरता, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। नंबर 6, दोस्तों, हाल ही में टाटा ग्रुप ने होने वाले क्रिकेट लीग IPL के टाइटल स्पॉन्सरशिप के राइट्स खरीद लिए हैं, जिसकी कीमत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। टाटा ने यह टाइटल स्पॉन्सरशिप 25,000 करोड़ रुपए में खरीदी है। 500 करोड़ रुपए पर ईयर के हिसाब से यह स्पॉन्सरशिप खरीदी गई है। यही टाइटल स्पॉन्सरशिप पिछली बार 335 करोड़ रुपए पर ईयर के हिसाब से खरीदी गई थी, लेकिन इस बार टाटा ने इसे 500 करोड़ रुपए पर ईयर के हिसाब से खरीदकर अपने नाम कर लिया है। नंबर 5, दोस्तों, क्या आप इस बात को मानेंगे कि बॉलीवुड में एक ऐसा भी कलाकार है जो सलमान खान तक से पंगा लेने की हिम्मत रखता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, और उस कलाकार का नाम है कमाल आर खान, KRK। अपने वीडियो में बॉलीवुड के कई कलाकारों के बारे में गलत बातें बोलते हैं। फिलहाल उन्होंने दीपिका और रणवीर के ऊपर टिप्पणी की है और रणवीर को गलत शब्दों से संबोधित किया है। हालांकि दीपिका और रणवीर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन KRK की हिम्मत सिर्फ तब तक है जब तक कि सलमान खान उनकी वीडियो नहीं देख लेते, क्योंकि अगर एक बार सलमान के पास उनकी वीडियो पहुंच गई तो उनका क्या हश्र होगा हम सभी जानते हैं। नंबर 4, दोस्तों, साल भर भी नहीं चली इन सितारों की शादी। रेखा और मुकेश अग्रवाल की शादी 1990 में हुई थी, लेकिन शादी के 7 महीने बाद ही मुकेश ने आत्महत्या कर ली थी। करण सिंह ग्रोवर और श्रद्धा निगम, बिपाशा के पति करण सिंह ग्रोवर की दूसरी शादी श्रद्धा निगम के साथ हुई थी, लेकिन उनकी शादी 10 महीने भी नहीं चली और दोनों ने तलाक ले लिया। पुलकित सम्राट और उनकी पत्नी श्वेता की शादी आपसी अनबन के कारण सिर्फ 11 महीने ही चल पाई और दोनों अलग हो गए। सम्राट जल्दी ही एक्ट्रेस कीर्ति खरबंदा से दूसरी शादी करने वाले हैं। नंबर 3, दोस्तों, समुद्र के अंदर डाइवर्स को जब भी यह जीव दिखाई देता है वह तुरंत ही से पकड़ लेते हैं। इसका नाम लोबस्टर है और कहा जाता है कि यह समुद्र में चट्टानों के बीच छुप कर रहते हैं। इस जीव की एक अनोखी बात है कि लोबस्टर कभी भी बूढ़े होकर नहीं मरते। इसी वजह से लोग इनका शिकार करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि लोबस्टर को खाने से शरीर में ताकत बनी रहती है और बुढ़ापा भी देर से आता है, इसीलिए जब भी यह नजर आता है तुरंत इसका शिकार कर लिया जाता है। नंबर 2, दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ईगल बड़े से बड़े जानवर को भी चीर फाड़ करके खा लेता है, लेकिन जब यह बूढ़ा होने लगता है तो इसके पंख भारी हो जाते हैं और चोंच की शार्पनेस भी कम हो जाती है, इसलिए न यह ढंग से उड़ पाता है और ना ही शिकार कर पाता है, और इसके मरने की नौबत आ जाती है। इसके बाद यह चट्टानों से अपनी चोंच को पटक पटक कर तोड़ देता है। 3 से 4 महीने में इसकी नई चोंच आ जाती है, जिससे यह अपने पुराने पंखों को उखाड़ कर फेंक देता है, और 2 से 3 महीने में इसके नए पंख भी आ जाते हैं। 6 से 7 महीने के इस दर्द भरे समय के बाद ईगल फिर से आसमान का राजा बनने के लिए तैयार हो जाता है। नंबर 1, दोस्तों, अगर कोई इंसान नदी में फेंके हुए सिक्कों को निकालते हुए पकड़ा जाए तो यह गैर कानूनी नहीं है। ऐसा ही कुछ इटली में रहने वाले रॉबर्ट किया करते थे। इटली के रोम में एक ट्रेवी नाम का तालाब है। वहाँ ऐसा माना जाता है कि अगर इस तालाब में 3 सिक्के फेंक कर विष मांगी जाए तो शादी एक खूबसूरत इटालियन लड़की से हो जाएगी। यह विष मांगने के लिए लोग यहाँ पर हर साल $1.4 मिलियन सिक्के इस नदी में फेंकते हैं। इसी बात का फायदा रॉबर्ट उठाते और इस तालाब से पैसे निकालने लगे, जिससे यह बहुत अमीर इंसान बन गए। कई बार पुलिस ने उन्हें पकड़ा, लेकिन कोर्ट को इन्हें छोड़ना पड़ता था, क्योंकि नदी या तालाब से पैसे निकालना कानूनी अपराध नहीं है।